عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم صدق رسولنا والنبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. इस्लाम तूलो तबीर नहीं तो चंद ही मिनट के अंदर मैं रुखसत हो जाऊंगा इस काम से कासिर हो गया मर्जी मौला। सबसे पहले हमको दुरूद शरीफ सुनाइए और सुनिए अल्लाह मना है कि मजलिस पाक किया नाजिब साहब के औलाद में बहुत में नाजिब साहब कितने बार फोन किए विदेश से आपके छोटे लड़के का पोता हुआ आपका परनाती हुआ अपना मालूम आपके रहेंगे दुनिया में चले जाएंगे कम से कम मेरे दरवाजे पर किसी तरह से रहिए जबकि मेरी हालत बहुत ही खराब था। खैर मैंने किसी तरह से हिम्मत कर दिया मैं यहाँ तक पहुंच गया। उस बच्चे के हक में मैं दुआ करता हूँ कि तबारक वाला नाम उसको रखा गया अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इस्माइल इस्माइल इब्न मोहम्मद नादिर साहब। अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिएगा इस बच्चे को आलिम बाअमल बनाए। सब लोग कहिए आमीन। अल्लाह उसके माँ बाप दादा दादी को समाज के मोहल्ले के समाज लोग सब दुआ दें कि अल्लाह ताला उसको तू तो भीग भीग के उसके वालिदैन के उसके दादा दादी के सब समाज दुआ दें पढ़ने पढ़ाने के अल्लाह और उसको तफी के बच्चा को इनमें दीन आके सलामती तंदुरुस्ती का फरमाया हयात खिज वक्त सिकंदरिया का फरमाए रोजी रोटी सब मोहल्ले वाले को भी है इनके घर में रब तबारक व तआला अपने फजल से सबको नवाज दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते तो सबके लिए मैंने दुआ कर दिया अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। मैंने ये उन्वान उठाया कच्चा गुनल्ला नूरों के दार नबी तहकीक के अल्लाह के जानी से नूर आया रोशन किया। जब अल्लाह ही के तरफ से आया है तो दूसरा कुछ भी कहेगा तो कुछ नहीं चल सकता कुछ नहीं चल सकता। सारे आलम के लिए रहमत बना करके हमारे रसूल को इस धरती पर भेजा गया। इंसान हो जिन्नात हो हवारात हो परिंदे हो चरिंदे हो दरिंदे हो कोई भी चीज हो सबके बोली को सुनते हैं समझते हैं देखते हैं जहाँ वहीं से देखते हैं हर मंजिल में तशरीफ बेला देने हर मजलिस में तशरीफ भी लाते हैं। ये दूसरी बात है कि हमारे अंदर ये बिनाई नहीं है लाख हजार मील जमीन के नीचे लाख हजार आसमान के ऊपर अल्लाह ताला के नबी ऐसे देखते हैं जैसे प्यारे के अंदर सारा सामान है हम देखते हैं। ये क्या चीज है नाबंद के मैदान में जब लड़ाई जंग हो रही थी कहीं चल चुल्ला बोलते थे या तो आगे आइए बल आइए बल अब तुम्हारा दुश्मन वो चलो क्या बाहर के ही चल आओ अब वो क्या उतर अब तुम उतर आओ कौन सी मशीन थी यही देखा था जो खुद कहते हैं खुद उनके सहाबी सुनते भी है अब सरकार भी नाम मिल गया। बहरहाल
तूल जमीन नहीं, मेरे अंदर जान नहीं है। वैसे मैं बोल रहा हूँ, अब तो मैंने वो साग रह गया, अन्य परिवार भाग लग गया, बस एक आम मखलूक में से एक आम मखलूक में भी मेरे अंदर है नहीं कुछ, कुछ नहीं। मैं खुदा का फकीर हूँ, वो देता है मैं खाता हूँ, वो देता है मैं खाता हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं सीधा सारा बस इतना जरूर है कि अपने औलाद को थोड़ा सा इल्म के समंदर में से एक एक कतरा कुछ पढ़ा लिखा देने का थोड़ा तौफीक अल्लाह ने दिया था, पढ़ा लिखा दिया, एक मिसबाही बनाया, दुआ नियत किया, उस सबको भी मुल्जी के सूरत में बना दिया, 10-11-12 फीस में को मैंने नमाजी बना दिया। मैं नमाजी को मैं अपने घर में टिकने नहीं देता हूँ, ये है मेरे अंदर। ये वो अल्लाह ताला इसी के सहारे हमें ईमान पर साधना नसीब फरमाए, सब लोग कहिए आमीन। जब भी मौत हो ईमान पर सातवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उसके लाने से आने से पहले दुनिया की हालत बहुत ही अब तक खराब, कहा खाली लूट मार चोरी रजनी डकैती बेमारी फरेबकारी धोखाबाजी सारे दुनिया के अलावा तो मलावत से दुनिया भरपूर थी। बरसात ऐसे बारिश होती हुई थी, कहक पर कहक खाली, रोजी पर रोजी, आदमी बेचैनी थे, आदमी का आदमी का जानवर भी पानी के बिना तरसते थे, बच्चे दूध के बिना बिलकते थे। अल्लाह के रसूल का जब आमद हुआ तो आने के वक्त में अजीब बारिश, अल्लाह के कदमे रात के सबके में अल्लाह का ने रुए जमीन बर्बाद बताया, सुखी हुई था तमाम आने लगी, बाग बगीचा फुलबारियां तमाम सूख चुके थे, सबके सब सरों खराब खराब हो गए, हय हय हो गए, पत्तों और पुतों के बगैर मौसम के लग गए। अब बच्चे दूध पी करके खूब नाथंदी कर रहे हैं, खुदा के याद भरा बरमा भी कर रहे हैं, हर तरह की खूबियां आने लगी, और अंधेरों का कारोबार भागना लगा, रोशनियों का कारोबार आने लगा। इसी आश्रम में अकाई नामदार हमदी मुख्तार साहेब लाख सजारे अफला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए जमीन पर तशरीफ लाए, इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों का चकारो खटार लगा हुआ था, सबके सब सलाम तो सलाम का जालिया निछावर कर रहे थे। आइए हम भी सुनने के मन को ज्यादा करे, अब जाए कुर्सी में बैठ कर